हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब केमिस्ट्री को रेगुलर पढ़ रहे हैं। अमीन्स की वीडियो आपने देख ली होगी जितने मैंने दी है। लास्ट हमने बात करी थी बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स, और उसके बाद मैंने एक लेक्चर वीडियो बनाया था। कौन सा बनाया था कि उसमें मैंने क्वेश्चंस डिस्कस करे थे कुछ। बेसिक नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में एग्जाम में आता है। और सर आज क्या हमने करना है, हम केमिकल प्रॉपर्टीज को आगे कंटिन्यू करने लगे हैं। और आप क्या करिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है बेसिक नेचर वाली, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें उस वीडियो को जरूर देख लें। आज का हमारा टॉपिक है एसिडिक हाइड्रोजन इन अमीन। अमीन का नेचर बेसिक था वो हमने पढ़ लिया। अब सर इसमें एसिडिक हाइड्रोजन, हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बेस्ड आज जो हमने करने लगे हैं टॉपिक, उसके ऊपर बेस्ड बोर्ड लेवल में, नीट में, जेई में क्वेश्चन जरूर बनता है। सर क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमें जरा मोटा मोटा बता दीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं, इसमें केमिकल टेस्ट है। सर केमिकल टेस्ट का मतलब क्या है कि हम 1 डिग्री अमीन भी बनाते हैं, हम 2 डिग्री अमीन भी बनाते हैं, हम 3 डिग्री अमीन भी बनाते हैं। हमने बहुत मेथड ऑफ प्रेपरेशन करे हैं, तो इनको डिस्टिंग्विश कैसे करें कि मैं आपको लैब में ले गया, लैब में ले जाकर मैंने आपको क्या करा, 3 पुड़िया बना के दे दी, तो मैंने कहा बताओ इसमें 1 डिग्री कौन सा है, 2 कौन सा, 3 कौन सा है, तो आप कैसे बताओगे? वही चीज हम करने जा रहे हैं। और यही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। सर ये सब रिएक्शंस कैसे करेंगे? सारी की सारी रिएक्शंस एक टॉपिक कराना है, एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक का मतलब क्या होता है? दोज हु हैव टेंडेंसी टू रिलीज एच पॉजिटिव, जो एच पॉजिटिव देने की टेंडेंसी रखते हैं उनको एसिडिक बोल देते हैं हम। सर अमीन्स में ऐसा होता है? बिल्कुल, चेक कर लो ना भाई कैसे होगा। ये देखो अमीन्स क्या होता है, RnH2। ये देखो RnH2, दिस इज प्राइमरी अमीन। सर सेकेंडरी अमीन क्या होता है हमारे पास? R2NH। देखो एक हाइड्रोजन है इसके पास भी। सर टर्शियरी अमीन में क्या पिक्चर बनेगी? R3N। मतलब इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। मतलब मैं आपको जितनी भी रिएक्शंस करवाऊंगा, 3 डिग्री टर्शियरी अमीन्स वो रिएक्शंस नहीं देंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन इनमें कैसे है? सर इसको एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। काहे क्यों बोलते हैं? सिंपल हाइड्रोजन क्यों नहीं बोल रहे? बिकॉज ये एच पॉजिटिव बाहर जाता है। एच पॉजिटिव बाहर की जगह बिकॉज नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपने पास रखेगा, इलेक्ट्रॉन रखने की पावर है भाई नाइट्रोजन में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है हमारा, ठीक है। तो ये अगर हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देकर जाएगा, मतलब एच पॉजिटिव बाहर निकलेगा। अगर निकला तो कैसे निकलेगा? एच पॉजिटिव। और अगर कहीं से एच पॉजिटिव बाहर निकला है, दैट मीन्स वो एसिडिक हाइड्रोजन होगी हमारे पास। क्लियर हो रही है चीज? सो व्हेनेवर हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट मीन्स दैट हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन, इट हैज टेंडेंसी टू रिलीज एच पॉजिटिव। फंडे क्लियर होने बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमको जब बेसिक नेचर मैंने आपको सिखाया, उसके बाद ये सेकेंड स्टेप हो गया अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का। स्टेप बाय स्टेप चलो, काम धीमे धीमे चले चाहे, बट होना पक्का चाहिए। ऑर्गेनिक का मामला है भाई, 20 मार्क्स की बोर्ड के एग्जाम में आएगी। सर और क्या, अब इसके ऊपर बेस्ड कौन से पढ़ेंगे? अभी मैंने आपको पढ़ा देना है एसिडिक नेचर की रिएक्शन। सबसे पहले तो रिएक्शंस ऑफ एसिडिक नेचर, या एसिडिक हाइड्रोजन भी कह सकता हूं मैं। सर इसमें कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कार्बाइल अमीन टेस्ट। कार्बाइल अमीन टेस्ट इसमें आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, यह इसी में आएगा अभी। और उसके बाद सर कौन सा है, और कौन से टेस्ट से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी से? हिंसबर्ग रिएजेंट से। हिंसबर्ग रिएजेंट, ये अपने आप में नेमिंग रिएक्शंस भी है, और इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में डिस्टिंग्विश करने में भी काम आएगी। सर और कौन सा पढ़ना है हमने इसमें? हॉफमैन रिएजेंट। हॉफमैन अमोनोलिसिस नहीं है अब ये हॉफमैन रिएजेंट है। वन बाय वन मैंने सबकी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी अलग वीडियो दूंगा, अदरवाइज कंबाइनिंग में ही मैं करवा दूंगा। क्लियर हो रही है चीजें? एक सबसे इंपॉर्टेंट है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। क्या है हमारे पास? लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ये हमने फिनोल्स में भी पढ़ा था, ये फिनोल्स के लिए इंपॉर्टेंट है और अमीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने इस बार डिस्कस करनी है, और बहुत सी नेमिंग रिएक्शन है, ये भी नेमिंग रिएक्शन है, ये भी नेमिंग रिएक्शन, सारी नेमिंग रिएक्शन है हमारे पास। रिएक्शन विद HNO2, क्या है हमारे पास? रिएक्शन विद HNO2, सर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो मैंने आपको एक क्या करा, छोटा सा पहले ऑब्जेक्टिव बना दिया हमने कि हमको ये चीजें इस लेक्चर में कवर करनी है। तो इसमें सबसे पहले एसिडिक नेचर की मैं सिंपल रिएक्शंस करवाऊंगा, फिर उसके बाद सीधा स्टार्ट करेंगे ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन, और फिर हिंसबर्ग, हॉफमैन, कार्बाइनमीन, लिबरमैन नाइट्रोसो, HNO2। क्लियर हो रही जी? सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम क्या करते हैं, जल्दी से रिएक्शन ऑफ एसिडिक नेचर स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए सर, R NH2 है हमारे पास, ठीक है जी, अमीन है, और इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूं, अगर ये एसिडिक नेचर है तो मेटल से करवाएं। जरा एसिड को जब मेटल के ऊपर डालते थे तो हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होती थी, 9th 10th में पढ़ रखा है बहुत बार बहुत बच्चों ने। तो बनेगा क्या, RNH, एक H तो इधर रह गया, एक H इधर रह गया, तो एक H बाहर गया, उसने क्या दिया मेरे को, एसिडिक, H पॉजिटिव। अब इसको बैलेंस करना है तो इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इसको ये नेगेटिव बन गया और साथ में एनए क्या लग गया, पॉजिटिव बन गया। सर ऐसे नहीं, हमको H2+ बाहर निकाल के दिखाओ, H2 बाहर निकाल लो, ये लो RNH2+Na, दो ही सोडियम लगेंगे, ये लो भाई, बनेगा क्या हमारे पास, RNH2 पॉजिटिव, ये लो आगे लगा दिया मैंने 2, और प्लस H2+ इवॉल्व हो जाएगी, ये लो, दो हाइड्रोजन इधर है, दो इधर है, टोटल कितने हैं, 4। ये ऐसे लिखना, ऐसे लिख लो, ऐसे लिखना, ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी नहीं है, बस जस्ट आपको बताया है कि अमीन्स में एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन मींस टेंडेंसी टू रिमूव एच पॉजिटिव और H2 हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है। क्लियर हो गया? इसकी जगह हम कैल्शियम भी ले सकते हैं, जस्ट मैग्नीशियम भी ले सकते, किसी भी मेटल पे डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है? चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, डस्टर कहां रखा है, ये रहा डस्टर। चलिए सर, तो ये फर्स्ट रिएक्शन होगी, रिएक्शन विद सोडियम। हेडिंग बना लो खूबसूरत सी अपनी, अच्छी सी, आपका अपना चैनल है BBH क्लासेस, एंड माय नेम इज बादल राय, एंड वी आर डूइंग अमीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे बोलते थे ना स्टार्टिंग में, कहीं देखिए बहुत यूट्यूब वीडियो सर। चलिए स्टार्ट करते हैं, सेकंड पॉइंट हमने बता दिया, पहले कौन सा था, रिएक्शन विद सोडियम, सेकंड है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सर व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें भी X जो है वो प्रेफर करना है BR2, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सर काम की बातें ज्यादा करेंगे अब। चलिए ये हमारे पास प्राइमरी यही है, अमीन 1 डिग्री अमीन है, चलो भाई लिख दो, This is 1 degree amine. Well, it react with RMGX. X में भी क्या लेंगे, BR लेंगे, तो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा यहां से टूटता है, बहुत बार करवा दिया, हेलोनिकेन में करवाया, अल्कोहल्स में कराया, फिनोल्स में कराया, अमीन्स में भी आ गया, तो बनेगा क्या, RHA। इसको R- ले लें, क्योंकि यहां ऑलरेडी देखा, तो इसको R-H प्लस MG को क्या मिला, MG को क्या मिलेगा, NHR, क्या मिलेगा, NHR साथ में है। सर व्हाट इज दिस, एल्केन, इसकी प्रेपरेशन हो गई एल्केन की, हो गई। आपको R की जगह क्या यूज करना है, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, यही यूज करेंगे ना। चलिए एक रिएक्शन लिख देता हूं मैं, चलिए CH3 NH NH प्लस यहां पर ले लेता हूं C2H5 MgX की जगह ले लिया BR। चलो भाई रिएक्शन कंप्लीट कर दो, बनना क्या चाहिए, मेजर प्रोडक्ट इथेन C2H6 बनना चाहिए। देखो एसिडिक नेचर, सर हर रिएक्शन में ऐसे करना है भाई, मैं एक फंडा सिखाता हूं, हर बार मैंने एक फंडा सिखाना है, वही पूरे चैप्टर में लगेगा, ये सीख लो। H बाहर निकालनी है अमीन की, सर सेकेंडरी ये ले भाई, सेकेंडरी की बात कर लेते हैं, ये लो, चलो R2NH, ये लो R2NH, रिएक्शन ड्रॉप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ये लो जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सर, ये लो बॉस, ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बनेगा क्या, ये बनेगा, बना दो C2H6, बाय प्रोडक्ट चेंज हो गए, MG को इस बार भाई क्या मिलेगा, NN डाई अल्काइल ये मिलेगा, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, BR। सर टर्शियरी भी कुछ बताओ, ले भाई टर्शियरी भी कर देते हैं, ये लो टर्शियरी पर भी काम कर लेते हैं, टर्शियरी मींस देयर इज नो हाइड्रोजन, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराओ तो भाई देयर इज नो रिएक्शन, मैंने पहले ही कहा है 1 डिग्री देगा, 2 डिग्री देगा, बट 3 डिग्री में कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन ना होने के कारण वो ये रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर हो रही है चीजें? अब मैं इसको करने लगा हूं रब, अब हमारा फंडा क्लियर हो गया,
कि बेसिक नेचर के बाद उसके क्वेश्चन करने के बाद हमको क्या पढ़ना है, एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ अमीन उसकी रिएक्शंस पढ़नी है। उसमें पहली कौन सी पढ़ी है हमने, पहली कौन सी पढ़ी जल्दी बताओ, अभी करी थी रिएक्शन विद सोडियम, और सेकंड मैंने आपको करवा दी है दैट इज रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड ब्रिज, दो हो गई हमारी। थर्ड हम करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड। तो भाई थर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने ग्रिगनार्ड रीजन से रिएक्शन देख ली, हमने सोडियम से रिएक्शन देख ली, अब एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड क्या होता है, रिएक्शन करते करते समझा दें ताकि टाइम कम हो, वीडियो शॉर्ट वीडियो हो और काम ज्यादा हो। चलो ये लिखते हैं एसिटाइल क्लोराइड। सर एसिटाइल क्लोराइड क्या होता है, ये होता है एसिटाइल क्लोराइड, एसिड से ही बना होता है ये हमारे पास, इसको एसिटाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड बोल दो बॉस इसको, इसको एसिटाइल क्लोराइड बोल दो सर, और क्या बोल सकते हैं, इसको एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं, तीन तीन नाम बना दिए हैं हमने, और ये एसिड का ही डेरिवेटिव है। अगर हमारे पास कहीं एसिड हो CH3COOH, तो एसिड के OH को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, किससे रिप्लेस कर दिया, Cl से। एसिड से ही ये बना है तो इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन आ गया है, ठीक है। छोटी छोटी सी चीजें हैं ये, अगर आपने मेरे 10th या 11th लेवल के लेक्चर देख रखे हैं तो ये सब क्लियर हो रखे होंगे। चलिए अब हमको करना क्या है, वही फंडा एच वाई निकालना है। पूरी वीडियोस में जितनी आनी है अब सारी की सारी वीडियोस में एक ही फंडा रखते हैं, एक ही मेथड से पूरा चैप्टर करवा देते हैं कि एच रिमूव करना है, एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करनी है, और यहां से ऑफ कोर्स क्या जाएगा, सी एल। तो बचा क्या हमारे पास, ये सी एच थ्री है, ये सी ओ है, इसको यहां से क्या मिला, एन एच आर, क्या मिला, एन एच आर, और सर बाहर क्या जा रहा है, एच सी एल, हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर जा रहा है। और जब कभी भी हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर जाता है ना, एसिड बाहर बनता है, तो भाई बेस डाल दिया करो रिएक्शन के ऊपर, न्यूट्रलाइज हो जाए रिएक्शन, वापिस ना आ जाए। और भी बेस के बहुत फंडे हैं सर, बेस क्या होता है, कोई भी एल्कोक्साइड डाल दे भाई, NaOH डाल दे, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, नहीं डालना तो पिरिडीन डाल दो, वीक बेस हो गया, पिरिडीन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H5N, क्लियर हो रही है। तो कोई भी एक बेस डाल दो, क्योंकि बाहर क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। पेपर में आ जाए व्हाट इज द रोल ऑफ बेस, व्हाट इज द रोल ऑफ बेस इन दिस रिएक्शन, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप कर लीजिए। इसको मैं भी नाम रख कर देता हूं, थोड़ी सी जगह बनाए, सेकेंडरी भी लिखना है, चलो सर सेकेंडरी लिखते हैं, ये लो बॉस आर आर एन एच मीन्स आर टू एन एच, चलो बॉस करना क्या है, वही फंडा एक सिखाऊंगा और उसके ऊपर बेस्ड सारी रिएक्शन हो जाएंगी। चलो यहां से सी एल, यहां से एच, जो पहले से पढ़ रखे हैं वो थोड़ा सा खुश हो रहे होंगे अब पढ़ के, जो पहले से मेरे से पढ़ रहे हैं कि हाँ भी चलो सर शुरू हो गए, एक ही फंडा है, अब काम इजी हो गया है। सर इससे डिफिकल्ट तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा डिफिकल्ट, इजी ही रखेंगे, ये फंडा अपने दिमाग में रखो, यहां से एच यहां से सी एल, तो सी एच थ्री सी ओ को भाई क्या मिलेगा, नाइट्रोजन, यहां भी आर यहां भी आर, सर इसका नाम और इसका नाम नहीं बताया आपने, तो बता देते हैं, और जो पहले से पढ़ रखे हैं हमसे उन्होंने लिख लिया होगा, अगर लिखा है अभी भी नहीं मैंने बताया, अगर आप खुद से इसका नाम लिख रहे हैं तो भाई कमेंट करके बताना है आपने कि आपने इसका नाम खुद से लिखा है, ठीक है, हम देखते हैं किसने किसने लिखा, और बी लॉयल ऑनेस्ट रखना है अपने आप से, मेरे स्टूडेंट सारे ऑनेस्ट रहते हैं। तो इसका नाम क्या है, एन अल्काइल, दिस इज एन अल्काइल एसिड अमाइड, क्या बोलेंगे इसको, एन अल्काइल एसिड अमाइड। सर एसिड अमाइड क्या होता है, आर सी ओ एन एच टू, दिस इज एसिड अमाइड, दिस इज एसिड अमाइड। अब एक एसिड अमाइड की एच हटा के क्या लगा दिया, आर, तो उसको बोलेंगे एन अल्काइल एसिड अमाइड। अब इसका नाम एन एन डाई अल्काइल, एन एन डाई अल्काइल एसिड अमाइड में प्राइमरी की रिएक्शन भी लिखी है, सेकेंडरी की रिएक्शन भी लिखी है, तो सर टर्शरी क्यों क्यों छोड़ रहे हो, भाई टर्शरी को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि भाई साहब इसके बाद एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो वन डिग्री भी रिएक्शन देगा, टू डिग्री भी देगा, थ्री डिग्री नहीं देगा। सर लिखनी जरूरी है, एक दो बार लिख लो, फिर नेक्स्ट जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हम ऐसे ही कहेंगे कि थ्री डिग्री विल नॉट गिव दिस रिएक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन होना मस्ट है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां एसिडिक हाइड्रोजन तीनों में नहीं है,
तो ये हो गया एसिटाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड से हमारी बात होगी। सर आपने किस फॉर्म में लिखना है इसको? आपने सर आर नहीं लिखना यहां पे एग्जाम में, नहीं तो आपको मिलेगा शून्य आर्यभट्ट का, ठीक है ना। आपको आर नहीं लिखना, आपको आर की जगह पर क्या लिखना है, CH3C2H5 ऐसे एग्जाम्पल लिख के आनी है एग्जाम में। और आप जनरल मत लिखना कि हाँ जी हमने बादल सर से पढ़ा है तो हम क्या करें इस पे जनरल लिखा है, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं सिखाया आपको। चलो बॉस आगे बात करते हैं, अब इसका थोड़ा सा क्या और डिटेल बात कर ले। इसमें एक नेमिंग रिएक्शन है वो बता देता हूं। नेमिंग रिएक्शन कौन सी है? अगर हम क्या कर रहे हैं प्राइमरी की रिएक्शन, चलो मैं भी आगे जगह सीएच3 लेता हूं, प्राइमरी की रिएक्शन करा दू बेंजोइल क्लोराइड के साथ, है एसिड क्लोराइड ही। अब ये भी पहले मैंने कौन सा लिया था, CH3COCl ये लिया था, अब मैंने यहां पर ले लिया बेंजीन भी। C6H5 समझते हैं, C6H5COCl क्या होता है, दिस इज C6H5COCl, इसको बोलेंगे बेंजोइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन अगर मैं करवा रहा हूं, फंडा तो वही रहना है ना, फंडा नहीं चेंज हो सकता अभी कभी भी, जो फंडा सिखा दिया वो सिखा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, C6H5C OO और यहां से इसको क्या मिलेगा मेरे भाई, NHCH3 ये बॉस। एन नाम जल्दी से वीडियो पॉज करो, नाम सही है तो कमेंट कर दो, क्या बनेगा एन मिथाइल बेंजामाइड, एसिडामाइड नहीं, बेंजीन रिंग आ गई है तो क्या लिखेंगे इसका नाम, एन मिथाइल बेंजामाइड प्लस HCl और यहां क्या डालेंगे बेस, क्या डालेंगे हम बेस। और रिएक्शन का एक नेम है, रिएक्शन नेम इज शॉर्ट एंड बोमन रिएक्शन। अगर हमने पर्टिकुलर इससे रिएक्शन करी है, बेंजोइल क्लोराइड से करी है, एसिड क्लोराइड से कर रहे हैं, मिथाइल ले लो, इथाइल ले लो, जो लेना लो, अगर आपने ये ले लिया C6H5 तो रिएक्शन का नेम बन जाएगा दैट इज शॉर्ट एंड बोमन रिएक्शन। तो अगर एग्जाम में आपको शॉर्ट एंड बोमन नेमिंग रिएक्शन आ जाती है तो रिएक्शन को सिंपल सी है, बस यहां पर आपको स्पेसिफिकली C6H5 लेना पड़ेगा, दैट्स इट। क्लियर हो गई चीज, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका छोटा सा मैकेनिज्म देख लें, छोटा सा बस मैकेनिज्म करके चलो, बाकी का फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा देता हूं। चलो मैकेनिज्म कर लो और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा क्लियर। आगे का आगे हमने करना है हिंसबर्ग, हिंसबर्ग के बाद हॉफमैन, वो कर लेंगे ठीक है। उनकी अलग अलग वीडियो मिलेगी, छोटी छोटी 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो बनाएगी उसकी, तो अलग अलग मिलेगी आपको, वो अच्छे से कर लेना। चलो अब देखो सर ध्यान से, अब ये रहा नाइट्रोजन का लोन पेयर। एक्चुअल में होता क्या है, नाइट्रोजन यहां से इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि भाई कार्बन और ऑक्सीजन में, कार्बन ऑक्सीजन से, ये कार्बन थोड़ा सा पॉजिटिव है, ऑक्सीजन थोड़ा सा क्या है नेगेटिव है, ऑफ कोर्स इधर से भी कार्बन को पोलैरिटी मिल रही है, इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, तो कार्बन पर पॉजिटिव है, तो लोन पेयर जाकर यहां पर अटैक कर दिया। जैसे ही अटैक कर दिया तो भाई क्या होगा, क्या Cl इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, हैलोजन में सिखाया था एक्स नेगेटिव इज गुड लिविंग ग्रुप, इट इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप। स्टूडेंट्स अगर आप मैकेनिज्म डिफिकल्ट नहीं होते, अगर आपके फंडे क्लियर है ना, अगर आपने मेरे से 11th पढ़ी हुई है तो 12th में कोई भी मैकेनिज्म टफ नहीं लग सकता, लॉजिक है हर चीज के पीछे। इस पर पॉजिटिव है तभी ये नाइट्रोजन का लोन पर नेगेटिव अटैक कर रहा है, और ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये चाहता है भाई मेरे को खुला छोड़ दो, तो एक्स नेगेटिव यहां से निकल जाएगा, एक्स नेगेटिव यहां से निकल जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन ले जाएगा। एक ही स्टेप, तीन स्टेप का उसको एक ही में दिखा रहा हूं, कैसे बनेगा देखो, पिक्चर क्या बनेगी, CH3CO नेगेटिव ये रिपेल कर गया, ये इधर जा रहा है तो ये इधर ऊपर को रिपेल कर गया, O नेगेटिव आ गया, तो C के साथ जो Cl लगा था वो निकल गया, माइनस Cl नेगेटिव निकल गया, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, चाहता है मेरे को जाने दो। चलो फिर जाकर लगेगा क्या कार्बन के पास, क्या लगेगा N लगेगा और साथ में एक H लगा है, दूसरा H लगा है और एक साथ में क्या लगा है R, एक साथ में क्या लगा है R लगा है। क्लियर, ये एक स्टेप हो गया हमारे पास इंटरमीडिएट, और नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है कार्बन को, तो भाई नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सर यहां पर कार्बन की बैलेंसिंग ही कंप्लीट है, आप देख रहे हैं भाई ये नेगेटिव, एक ही स्टेप में क्या होता है, ये नेगेटिव नीचे उतरता है, ऐसे नेगेटिव नीचे उतरता है, और नाइट्रोजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं बर्दाश्त कर सकता बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो क्या होगा, एच यहां से रिमूव हो जाएगा। फाइनली
फाइनल क्या बन के आता है, ये बन के आता है, देखना ध्यान से, ये नीचे आ गया दोबारा से, एन को क्या मिला एच, और एक साथ में क्या लग गया आर, एक एच निकल गया, देखो यही बनता है, यही बनता है सर, एन अल्काइल एसिड एमाइन। सर सारा कुछ एक ही स्टेप में होता है, बिल्कुल एक स्टेप में होता है, एक ही स्टेप में होता है, दोबारा बताने लगा हूं मैकेनिज्म, ध्यान इधर रखना एक बार, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पर अटैक करेगा, अटैक करवा दिया, सीएल को बाहर निकाल दो, चलो इजी, एक और सीएल को बाहर निकाल दिया, गुड लिविंग ग्रुप है, देखना इधर दोबारा से लिखने लगा हूं CH3, इसको शिफ्ट नहीं करवाते हैं तो, क्योंकि उस पर वैलेंसी 3 रह रही है, वैसे करवाओ तो अच्छी बात है, देखना इधर ध्यान से, सीएल बाहर निकल गया, डबल बॉन्ड हो रहा है, यहां जाके क्या लग गया एन एच, एक और एच, एक आर, नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गए, अब नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो भाई ये जो सीएल नेगेटिव है बाहर निकला है, ये क्या करेगा, कहेगा हाइड्रोजन मेरे को दे दो, हाइड्रोजन मेरे को दे दो, तो बनेगा क्या माइनस HCl, तब भी प्रोडक्ट ऐसे ही रहा, ये देखो भाई एन अल्काइल एसिड एमाइन, अब इस मेथड से कर लो, इस मेथड से कर लो, आपको जो पसंद आ रहा है उससे कर लो, फंडा ये होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक कर रहा है, सीएल बाहर निकल रहा है, सीएल को बाहर निकाल दिया, नाइट्रोजन चार बॉन्ड नहीं बनाता, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाएगा, और अपने साथ भी 3 बॉन्ड बनाता है, ये देखो 5 बॉन्ड वाला नाइट्रोजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होते, एन क्वेश्चन भी करवाता हूं, NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट बट PCl5 एग्जिस्ट, ये हम इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे आगे जाके, वैसे मैंने बॉन्डिंग में करवा रखा है, क्लियर है, तो दो तरह के मैकेनिज्म हो गए आपके, और एसिड क्लोराइड हो गया हमारा, और एक शॉर्टन वोमन होगी, एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट होगी, एक सोडियम से रिएक्शन होगी, और एक मैंने आपको बता दिया है कि पूरी हमारे अब जितना अमीन बचा है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बाइड अमीन, हिंसबर्ग, हॉफमैन, कार्बन डाइसल्फाइड टेस्ट, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, एसिटाइल क्लोराइड हो गया, इसका मैकेनिज्म है क्या, तो रेडी हो जाओ, हेडिंग लगाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ, और इसको और ज्यादा डीप पढ़ो, और मैं अमीन्स के साथ साथ में क्या करूंगा, क्वेश्चन की वीडियो भी बनाता रहूंगा, जैसे मैंने बेसिक नेचर की बनाई थी, अभी नेक्स्ट हमने हिंसबर्ग की बात करनी है, हिंसबर्ग एजेंट होते ही फिर नेक्स्ट हॉफमैन की बात करेंगे, जल्दी से नोट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।